वास्तव में भगवान से बढ़कर के इस दुनिया में दूसरा कोई दयालु है ही नहीं। इस बात को हम लोग एक कथा से समझ सकते हैं। एक बार एक भक्त जो है भगवान कृष्ण के मंदिर में गए। उस समय जैसे ही भक्त ने भगवान को प्रणाम करके खड़े हुए, उस समय हमारे लीला बिहारी ने लीला ठानी। भगवान कृष्ण ने उस भक्त से कहा कि महाराज, मैंने इस संसार में 33 करोड़ देवी देवता बनाए हैं, तो आप लोग जो है या आप जो है उन देवताओं की शरण में न जाकर के मेरी ही शरण में क्यों आते हो? चले जाओ यहां से। उस समय उस भक्त ने सोचा कि भगवान की भी कैसी अद्भुत लीला है कि एक तरफ तो गीता का अंत करते हुए कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर के एकमात्र मेरी शरण में आओ, और आज जो है मैं इनकी शरण में आया तो कह रहे क्यों आए और चले जाओ। उस समय उस भक्त ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप यह जानना चाहते हो ना कि यद्यपि इस संसार में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन फिर भी जो विवेकवान व्यक्ति हैं देवताओं की शरण में न जाकर के आपकी ही शरण में आते हैं, इसमें लोगों की गलती नहीं, गलती आपकी है। भगवान ने कहा मेरी क्या गलती है? भक्त ने कहा कि प्रभु, अगर आप जो है सुदामा जैसे गरीब को अमीर नहीं बनाए होते ना, तो इस दुनिया का कोई भी गरीब आदमी आपकी शरण में नहीं आता। लेकिन आपने गलती कर दिया, आपने सुदामा जैसे गरीब को अमीर बना दिया ना, तो संसार के जितने भी गरीब हैं वे सोचते हैं कि जब प्रभु ने, जब श्री ठाकुर जी ने सुदामा जैसे गरीब को अमीर बना दिया तो मुझसे दुश्मनी थोड़े हैं, मुझे भी अमीर बनाएंगे। यही सोच करके सारे विवेकवान व्यक्ति आपकी ही शरण में आते हैं। और प्रभु, अगर आप जो है अजामिल जैसे पापी का उद्धार नहीं किए होते ना, तो इस दुनिया का कोई भी पापी जो है आपकी शरण में नहीं आता। लेकिन आपने गलती कर दिया, अजामिल जैसे पापी का उद्धार कर दिया, तब दुनिया के जितने भी पापी हैं वे सोचते हैं कि जब भगवान ने अजामिल जैसे पापी का उद्धार कर दिया तो मुझसे कोई दुश्मनी थोड़े, मेरा भी उद्धार करेंगे। यही सोच करके दुनिया के विवेकवान व्यक्ति आपके शरण में आते हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो मूल में गलती आपकी है, तो भुगतना भी तो आपको ही पड़ेगा ना। मूल में गलती आपकी है कि आपने सुदामा जैसे गरीब को अमीर बना दिया, अजामिल जैसे पतित को भी आपने पावन बना दिया, तो गलती आपने की है, इसीलिए दुनिया के लोग आपकी शरण में आते हैं। बिंदु जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि प्रभु, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आपकी कृपा की जो आदत है ना, इस आदत के कारण, आपके स्वभाव के कारण ही दुनिया के विवेकवान लोग आपकी शरण में आते हैं। आप कृपा की अपनी आदत छोड़ दो, आपका दरबार सुना हो जाएगा, लेकिन आप तो अपना स्वभाव छोड़ नहीं सकते। तो हे प्रभु, दुनिया के लोग आपकी शरण में आते हैं, इसमें गलती आपकी है। और आप कहते हो कि हम यहां से चले जाएं, तो हम चले जाएंगे प्रभु, लेकिन हे प्रभु, आप हमको जाने के लिए कह रहे, लेकिन हम जाएं तो कहां जाएं? गोस्वामी जी ने लिखा है ना, जाऊं कहां तज शरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। हे नाथ, आप कहते हो कि मैं चला जाऊं, लेकिन मैं जाऊं तो कहां जाऊं?
इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसको मेरे जैसे दुखी आदमी प्रिय लगते हैं? इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसका नाम पतित पावन है कि मैं उसकी शरण में चला जाऊं? अर्थात कोई भी नहीं है प्रभु, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि चले जाऊं। आपकी इच्छा है कि मैं चले जाऊं, तो आपकी इच्छा है तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाँ, इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह वाह है। जही विधि प्रभु, प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपकी इच्छा है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। भगवान ने कहा क्या शर्त, जल्दी बतलाओ। उस समय उस भक्त ने एक कागज निकाला और एक कलम निकाला, और भक्त ने कहा कि हे प्रभु, ए लीजिए कागज और ए लीजिए कलम। भगवान ने कहा मैं क्या करूं? भक्त ने कहा कि प्रभु, इस दुनिया में आपसे बढ़कर के कोई दयालु है ना, इस कागज पर उसका नाम लिख करके दे दीजिए, मैं आपका दरबार अब भी छोड़ दूंगा। हे नाथ, दयावानों में सिरमौर बता दो, छोड़ू मैं भला तुमको किस तौर बता दो। हाँ, ये शर्त कर लो तो मैं हट जाऊंगा दर से, अपना सा कृपा सिंधु कोई और बता दो, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपके जैसा कोई दयालु है ना, इस कागज पर उसका नाम लिख करके दे दीजिए। उस समय भगवान का सिर नीचे हो गया। भगवान ने कहा कि अरे यार, तुमने मुझे तो पहले बॉल में ही आउट कर दिया, क्योंकि वास्तव में मेरे जैसा दयालु तो केवल मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि इस प्रसंग से साबित होता है कि इस दुनिया में भगवान से बढ़ करके दूसरा कोई दयालु नहीं है।